अक्टूबर को गोवा के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से करेंगे संबोधित। कोवैक्सीन पर बोले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, आज WHO की मीटिंग में उसमें होगा फैसला। योगी सरकार का केजरीवाल पर वार, राम भरोसे अरविंद केजरीवाल, फ्री में अयोध्या दर्शन की ऑफर। जनसेवा संकल्प यात्रा पहुंची औरैया, कार्यकर्ताओं ने संकल्प यात्रा का किया स्वागत। सपा नेता मेहताब खान के बिगड़े बोल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए विवादित बयान, सड़क निर्माण के धरने पर पहुंचे थे मेहताब खान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पेशवेता गर्ग, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे लालकुआ पहुंची, बिंदुखत्ता के इंदिरा नगर में प्राकृतिक आपदा प्रभावित 7 परिवारों से की है मुलाकात। मुलाकात के दौरान तत्काल राहत राशि उपलब्ध कराते हुए प्रत्येक परिवार को 11,000 रुपए की धनराशि बांटी। साथ ही राज्य सरकार को आईना दिखाते हुए प्रत्येक परिवार को एक चारपाई, रजाई आदि सामग्री भी अर्पित की। आर्थिक मदद करते हुए पीड़ितों की को महर्रम लगाए जाने का कार्य किया। मैं पिछले हफ्ते जब आपदा आई थी तब मैं हल्द्वानी आई थी, अब मैंने देखा कि नेता तमाम हरिद्वार से, देहरादून से तमाम नेता आ रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं और भर भर के इनको आश्वासन देके जा रहे हैं। और कोई राशन नहीं, कोई सामान नहीं, कोई बिस्तर नहीं, कोई मकान नहीं और कोई रजाई गद्दे नहीं। ठंड के टाइम आ गया, सब कुछ इन लोगों का बह गया, स्कूल में रह रहे हैं। तो मैंने सोचा कि नेताओं को आईना मैं भी दिखाऊं, तो मैं देहरादून से आज सुबह चली हूँ। इन लोगों के किचन का सामान, राशन का सामान, बिस्तर, रजाई गद्दे, चारपाइयां मैं सब खरीद के लाई हूँ और इनका घर बसा के जाऊंगी, क्योंकि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ। ये आमा भी हमारी आमा जैसी है, मेरी मम्मी की उम्र की है। और साथ में मैं कहना चाहती हूँ इन नेताओं को जो यहाँ आ रहे हो, भर भर के आश्वासन, आपके आश्वासन 21 साल झेल लिए हमने, अब हमें आप लोगों के आश्वासन नहीं चाहिए, अब करना है तो काम करके दिखाओ। तमाम भर जितने नेता हैं उत्तराखंड के, तमाम चुनाव का समर रखा है और आश्वासन दिए जा रहे हैं और एक दूसरी सरकार को कोस रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ भाजपा से भी और कांग्रेस से भी, आप बताइए ये बिंदु खत्ता को राजस्व क्यों नहीं घोषित किया अब तक? हर बार तो आप लोग कांग्रेस बना दो हम राजस्व घोषित कर देंगे, बीजेपी वाले कहते हैं हमारी सरकार बना दो हम राजस्व घोषित कर देंगे, मगर होता कुछ नहीं है। क्या इन सरकारों को पता नहीं होता नदी किनारे लोग बह रह रहे हैं, क्यों नहीं इनको हटाया जाता? और मैं चाहती हूँ पेपर मिल से कहना चाहती हूँ कि इनको जो है अभी मैं 11,000 की नगद राशि की मदद भी कर रही हूँ, 11,000 रुपए की, और रजाई गद्दे सब सामान में लाई हूँ। और साथ में पेपर मिल से कहना चाहती हूँ उनके अधिकारियों से कि इनको पक्के मकान दें, 2 कमरे के और पक्के मकान दें, और सरकार को प्रधानमंत्री आवासीय योजना की इनको स्कीम देनी चाहिए, और नहीं देंगे तो एक एक कमरा मैं बना के दूंगी, आज घोषणा करके जा रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के अवसर पर 15 से 21 अक्टूबर तक महिला किसान पखवाड़ा का आयोजन किया गया था, जिसका समापन हिंदू महासभा भवन देवाली में किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय स्तर से चुनी गई 10 महिलाओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति सम्मान और प्रगतिशील महिला से नवाजा गया। उत्तराखंड के कोटाबाज में रहने वाली माया नेगी ने कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान व महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति पुरस्कार से नवाजा गया। और इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री कैलाश चौधरी जी द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यह जो किसान कल्याण परिषद है राष्ट्रीय स्तर पर, इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास महिलाओं को उत्साहित व प्रेरित करने के लिए किया गया, जिसके मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में काफ़ी सकारात्मक परिणाम इसके सामने आएंगे, क्योंकि हमारी जो कृषि है इसमें महिलाओं का 80% योगदान रहता है, लेकिन उसको समझा नहीं जाता। तो ये अगर सरकार का ये प्रयास है कि महिलाओं की भागीदारी कृषि के क्षेत्र में उसको ससम्मान बढ़ाया जाए, तो अवश्य कृषि के क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन आ सकता। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस पखवाड़ा मनाया गया।
इस कार्यक्रम के समापन समारोह में जो हिंदू महासभा भवन में आयोजित किया गया, इसमें देश भर से उन प्रगतिशील महिलाओं को जिन्होंने किसानों के मदद करने का प्रयास किया है, उनको लाभान्वित करने का प्रयास किया है, तो हमारी संस्था ने ऐसी 10 महिलाओं को चयनित किया है, जिनमें उत्तराखंड से माया नेगी जी को दिल्ली बुलाया गया और इन्हें दीनदयाल उपाध्याय स्मृति सम्मान प्रगतिशील महिला माननीय कैलाश चौधरी कृषि राज्य मंत्री द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना। हरिद्वार में होमगार्ड स्वयं सेवक भर्ती की कराई जा रही है। वहीं गौतम कुमार डीवी कमांडेंट का कहना है कि हरिद्वार के सभी जगह जगह से लड़के फिजिकल देने आ रहे हैं और बहुत ही सावधानी पूर्वक उनका फिजिकल कराया जा रहा है और साथ ही पहले शारीरिक नापतौल और उसके बाद दौड़ और फिर लंबी कूद कंप्लीट होने के बाद बॉल फेंक पाया गया। कमांडेंट का कहना है कि अभी तक 3 कंपनी की भर्ती पूरी होने जा रही है और अभी 7 कंपनी की भर्ती बाकी है। जो लड़का 7 मिनट में दौड़ पूरी कर लेगा वो क्वालिफाई होगा और जो कम समय में करेगा वो एक्सीलेंट होगा। तारीख से हमारी भर्ती स्टार्ट हुई है और 27 तक फिजिकल होंगे। आज कौन सी कंपनी का वो हुआ है सर फिजिकल? आज कंपनी नंबर 2 का लास्ट था, लास्ट दिन था कंपनी नंबर 2 हरिद्वार का। कितनी कंपनी के रह चुके हैं अभी फिजिकल? अभी हमारी महिला कंपनी का हो गया है और 1 कंपनी 2 कंपनी यानी 3 कंपनियों का हमारा हो गया। बीते दिनों पहले प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान को लेकर मिल रहे मुआवजे के संबंध में चंपावत के टनकपुर वार्ड नंबर 3 में 1 के वार्ड वासियों ने पूर्णागिरी तहसील पहुंचकर तहसीलदार के माध्यम से उपजिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। सभासद रईस अहमद ने बताया कि आपदा प्रभावित पीड़ितों को मुआवजा दिया जा रहा है लेकिन हमारे वार्ड में सिर्फ 2-3 परिवारों को ही मुआवजा मिला है, बाकी लोग मुआवजे से वंचित रह गए हैं। जिस संबंध में हमारे द्वारा तहसीलदार के माध्यम से उपजिलाधिकारी को अवगत कराया गया है कि वार्ड नंबर 3 और 1 का दोबारा से सर्वे किया जाए ताकि जो लोग मुआवजे के पात्र हैं उन्हें मुआवजा मिल सके। और वहीं उपजिलाधिकारी हिमांशु कफलटिया ने बताया कि वार्ड नंबर 3 और 1 के वासियों ने ज्ञापन देते हुए अवगत कराया है कि मुआवजे से किसी परिवार को वंचित रह गए हैं, जिसमें उन्होंने दोबारा सर्वे करने की मांग की है। ये जो पिछले दिनों हुई बारिश में ना जो पीड़ित परिवार थे उनको पूरे सारे परिवारों को मुआवजा नहीं मिला, कुछ परिवार उसमें छूट गए, इसलिए हमने आज ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को तहसीलदार के माध्यम से। वार्ड नंबर 3 जो कि शारदा के जो अभी रिसेंट में जो फ्लड आया था उससे अफेक्टेड हुआ था, वहाँ पे हमारे द्वारा पूर्व में डोर टू डोर सर्वे किया गया था जिसमें कि 274 परिवारों को हमारे द्वारा एसडीआरएफ के नियमों के तहत मुआवजा दिया गया है। अभी कुछ लोग ज्ञापन आज फिर लेके आए थे कि कुछ और लोग हैं जो छूट गए हैं, उन्होंने दोबारा से वहाँ सर्वे करने के लिए कहा है, तो हम जल्दी ही एक और दोबारा वहाँ सर्वे करेंगे और यदि कोई ऐसे लोग छूट गए। उत्तराखंड में 2 दिन हुई लगातार बारिश है, तराई क्षेत्र के सीमांत खटीमा एवं नानकमता राइस मिलर्स के लाखों लोगों को नुकसान हुआ है। वहीं राइस मिलर्स ने किसानों के लिए भी खेद जताया, कहा राइस मिलर्स के साथ साथ किसानों का भी भारी नुकसान हुआ है। निचले क्षेत्र में किसानों की फसल अभी भी पानी में डूबी हुई है और खराब हो रही है, साथ ही मार्केट में महंगाई बढ़ने की भी उम्मीद बढ़ाई गई है। देखिए हमारा जो इस टाइम कच्ची आरती का खरीद पूरे जोरों से चल रही है मंडी से और हमारे पास पर डे लगभग 1,000-1,200 क्विंटल धान आता है और 4 दिन लगातार बहुत जोरों से बारिश हुई है और साथ में पहले दिन तो आंधी भी आई, हवा भी बहुत चली, तिरपालें तो हमने डाली थी लेकिन सारी तिरपालें एक बार जब हवा आई तो उड़ गई, लेकिन उस दौरान जब बारिश हुई और पानी सारा चक्कों के ऊपर से भी पड़ा और जब लगातार 4 दिन बहुत मूसलाधार बारिश हुई तो चक्कों के नीचे भी पानी घुस गया, जो बाहर ढेर पड़े हुए थे उन पर तिरपालें डाल रखी थी वो तिरपालें उड़ गई, उसके ऊपर से भी पानी पड़ गया, नीचे से भी पानी जाने से वो धान लगभग बिल्कुल काला हो चुका है, खराब हो चुका है। लेकिन विडंबना यह है कि शासन प्रशासन बात तो करता है बहुत बड़ी बड़ी कि हम लोग व्यापारियों के साथ हैं, व्यापारियों का सहयोग देंगे, लेकिन आज 3 दिन हो गए हैं बारिश बंद हुए, कोई भी व्यापारी की सुध लेने वाला कोई नहीं आया, ना कोई शासन प्रशासन से सुनने आया, ना कोई नेता आया। अगर मुख्यमंत्री जी यहाँ आए भी खटीमा में तो वह खाली बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करके यहाँ से चले गए, उन्होंने किसी व्यापारी की मीटिंग नहीं बुलाई, किसी व्यापारी की बात नहीं सुनी, किसी व्यापारी से उनका दुख साझा करने की कोशिश नहीं की कि आपका नुकसान हुआ है।
और उसमें हम शासन की तरफ से क्या आपको सहयोग दे सकते हैं? नहीं, हमने मंडी का फिर खरीद बंद कर दी है अभी 2 दिन से। हम मंडी का धान ले ला ही नहीं रहे क्योंकि हमारे पास धान इतना खराब हो चुका है, पहले ही बारिश से इतना भीग चुका कि हम उसको संभालने की स्थिति में ही नहीं है, इसलिए हमने बारिश के बाद बिल्कुल खरीद बंद कर दी है। धान खराब हो गया, 4-5 क्विंटल धान नीचे एक फीट में पानी भर गया है, ऊपर चट्टों में भी समय कल्ले फूट गए हैं, अब दोबारा से डायर में करना पड़ेगा माल को, लाखों रुपये का नुकसान है व्यापारी का। तो 4-5 दिन से खरीदी बंद है, केवल प्रकाशकरों ध्यान रखते हुए थोड़ा मंडी से धान परचेज किया जा रहा है, बाकी तो सब बंद ही कर रहा है। ज़्यादातर सभी मिलों में माल अच्छा खासा नुकसान पहुँचने लोगों में, लाखों रुपये हर मिल वाले नुकसान में आ गया है इस बारिश से। बाजपुर के ग्राम रामपुरा साकर में प्राथमिक विद्यालय के सौंदर्यकरण के लिए शिक्षा विभाग के 14 लाख रुपए की राशि स्वीकृति की है। सरकारी पैसों को लेकर जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि विद्यालय के सुंदरीकरण और रिपेयरिंग के लिए धनराशि स्वीकृत हुई है, ठेकेदार मनमानी करते हुए इस काम में लीपापोती कर रहे हैं और जो कमी हो रही है वो ठेकेदार की वजह से हो रही है। ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और रुतडा उपखंड शिक्षा अधिकारी प्रेमा विश से गुणवत्ता के साथ कार्य करने की मांग की है। गांव वालों का कहना है कि स्कूल की दीवारों में दरारें पड़ी हुई हैं और फर्स्ट भी उबड़ खाबड़ हो रहा है, लेकिन ठेकेदार बिना रिपेयरिंग के ही काम कर रहे हैं और सौंदर्यकरण के नाम पर लीपापोती की जा रही है। कहना क्या है, ये पुताई का ये काम जो चालू हुआ तो हमें तो कुछ पूछा नहीं गया, कोई से काम मतलब ऐसा कि सैन पैन के लिए खाली मतलब बताया जाता और बाकी तो किसी को जो काम हो रहा है हमें तो कुछ बताया नहीं जाता। क्या है ना, काम नंबर 2 का ही हो रहा है यहाँ पर, कोई सेटिंग नहीं कर रखी है इसकी पहले से ही, और बिना सेटिंग के ये काम प्लास्टर की जगह पेंट करना चालू कर दिया है उन्होंने, पुट्टी खींच दी है, कुछ काम प्लास्टर के हैं तो उससे ही पुट्टी से ही काम कर दिया है उसका। इसमें हमें ये कहना है कि कौन से पेपर में विज्ञप्ति निकाली है टेंडर की, ना हमें कोई टेंडर का पता है इसमें, और कौन से उससे हो रहा है, कौन से विभाग से हो रहा है, मतलब इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। और हम भी रामपुरा साकर में रहते हैं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है आप लोग खुद भी फील्ड पर गए हुए हैं और अभी कार्य सिर्फ प्रारंभ हुआ है, और कार्य प्रारंभ पर ही इस तरह से करना कि कार्य सही नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है किसी भी चीज़ का जल्दीबाजी में आकलन करना है। और वो कार्य जो है जिला योजना के अंतर्गत हुआ जा रहा है, विद्यालय का पूरे सौंदर्यीकरण का कार्य है, और शीघ्र ही आप लोग भी देखेगा कि वहाँ पर एक आपको कार्य का एक बेहतरीन आपको विद्यालय का एक नमूना मिलेगा, किसी भी प्राइवेट स्कूल से बेहतर सुविधाओं युक्त और सौंदर्यीकरण में। और जैसा कि कहना है कि हमने तो ग्राम प्रधान को भी बुलवाया था, लेकिन ग्राम प्रधान स्वयं नहीं आती हैं, उनके प्रतिनिधि ही आए थे, वो भी बाद में तो संतुष्ट दिखे जब उन्हें बताया गया कि इस तरह का प्रोजेक्ट है और विद्यालय का सौंदर्यीकरण होना है। काम की स्टार्टिंग में किसी चीज़ की निकालना तो शायद जल्दीबाजी है, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सभी को अच्छा रिजल्ट मिलेगा वहाँ पर। प्रतिनिधि देख लें भैया, अभी तो कार्य स्टार्ट हुआ है ना, अभी केवल रंग पेंट तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, फिलहाल वहाँ टाइल्स का लगने का काम शुरू है, छत की थोड़ा बहुत रिपेयरिंग शुरू हुई है। मुझे लगता है 5% कार्य भी वहाँ का जो है स्टार्ट पूरा नहीं हुआ है, और 5% कार्य में हम 100 का आकलन कर लें, ये थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी। और जनप्रतिनिधि की भी, जो प्रधान के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी दूसरे दिन कहा शायद आज अगर आप उनकी बैठ लें तो भी इस बात से संतुष्ट होंगे कि हाँ विद्यालय उनका इस क्षेत्र में, उनके क्षेत्र को एक अवसर मिला है कि जो हम विकास खंड में केवल 2 विद्यालय हमारे सौंदर्यीकरण के लिए चुने गए हैं, तो एक वो बात भी चुना है, वो शायद इसीलिए क्योंकि हमें लगता है कि वो क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है, शैक्षिक रूप से भी थोड़ा बच्चों की अटेंडेंस भी कम है, हालांकि संख्या भी वहाँ हमारी अच्छी है, तो हमें लगा कि किसी भी अच्छी योजना का लाभ उन तक पहुँचे जो सबसे ज़्यादा जरूरतमंद लोग। अभी हमारे संज्ञान में आया है साहब, ऐसे से ठेका हुआ, ये क्या है पता ही करना, तो हमने कभी ये तो पता लगा ठेका कहाँ से क्या कितने का और कौन से विभाग से हुआ है। सुनने में ये आया कि 14 लाख का ठेका हुआ और ये खाली कूची फिर रहे हैं, चूना फिर रहे हैं, भाई 14 लाख में चूने का थोड़ी होगा, कम से कम हमने ये पूछा है भाई ठेकेदार कौन है, तो पता ये लगा कि ठेकेदार जो असली वाले हैं वो तो बैठे हैं रुद्रपुर, उन्होंने जो है पेंट वाले को ठेका दे दिया, और पेंट वाले ने एक दिहाड़ी वाले को ठेका दे दिया, वो दिहाड़ी वाला काम कर रहे हैं, असली ठेकेदार यहाँ आए नहीं है। यहाँ पर जो है ये हमारे गांव में स्कूल में काम चल रहा है, जो कि हमें बताया भी नहीं गया, SMC के अध्यक्ष को भी नहीं बताया गया, जैसे मेरे सुनने में आया गाँव के कुछ लोग हमारे पास गए, यहाँ पर प्रधान जो है मेरी भाभी जी हैं, अनिश जान नाम है उनका, तो मैं उन्हीं के साथ देख रेख में काम भी करता हूँ, उनका सहयोग भी करता हूँ। उसमें लोगों ने हमसे कहा है कि इस तरीके से जो है काम चल रहा है, मैं यहाँ पर कल आया, कल सुबह मॉर्निंग में मैंने जो है आके देखा तो नीचे का ये सारा
जो है प्लास्तर टूटा था, तो इन्होंने जो है मैंने इनसे कहा कि आप पहले प्लास्तर करो, इसकी टचिंग करो, जब जाके जो है इस पर पुट्टी करना। तो बोले ठीक है जी, जितना हमने कर दिया कर दिया, अब नहीं करेंगे। आज आके देखा हमने तो वो पुट्टी से ही सब कुछ चालू कर रखा है इन्होंने। इतने में फिर मैंने मैडम से बात की, प्रेमा बिष्ट जी मैडम है, उनसे मैंने बात की, तो वो सारी बातें करती रहीं करती रहीं। जब मैंने उनसे कहा ठेकेदार कौन है और इसमें होना क्या क्या है, हम यहाँ के मेरे परिवार से जो है प्रधान है, तो हमसे कोई पूछने लगा तो हम क्या बताएंगे, आप बता दीजिए एसएमसी के। सितारगंज क्षेत्र के ग्राम लौका निवासी सत्येंद्र कुमार पर हुए अत्याचार की जानकारी लेने कांग्रेस पार्टी द्वारा गठित 3 सदस्य कमेटी तिलक राज बेहड़ के नेतृत्व में सितारगंज क्षेत्र के लौका गांव पहुंची। वहीं कांग्रेस पार्टी की 3 सदस्य कमेटी ने ग्राम लौका पहुंचकर सत्येंद्र कुमार के परिवार का हाल जाना। सत्येंद्र कुमार हुई घटना के बारे में जानकारी ली और वहीं सत्येंद्र कुमार के परिवार ने रो रो कर सत्येंद्र कुमार पर हुए अत्याचार के बारे में बताया। मौके पर मौजूद लोगों ने दिलाया न्याय का भरोसा। ये जो घटना घटित हुई है 19 तारीख को, ये बड़ी अत्यंत गंभीर घटना है और जिस तरह से FIR लॉन्च कराई गई विधायक के गनर के द्वारा, जनप्रतिनिधि से विकास की बात करना, गांव का राजस्व, गांव की मालिकाना हक की बात करना कोई अपराध नहीं है, उसको अपराध की श्रेणी में ला दिया है इन लोगों ने। और जिस तरह से सत्येंद्र की गिरफ्तारी हुई है ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको जेल भेज दिया गया है, कई लोगों के खिलाफ FIR हुई है, पूरे गांव के अंदर दहशत का माहौल है, महिलाओं को मारा गया, गिरफ्तारी के समय पीटा गया, थाने में 3rd degree टॉर्चर किया गया सत्येंद्र को। इसकी सारी आज जो लोगों से बातचीत हुई है, मैंने लोगों के बयान दर्ज किए हैं, लोगों से बातचीत की है, हम इसको अपने हाईकमान को भेजेंगे। कमेटी आज आई है, मैं उसका आभार प्रकट करता हूँ। जिस दिन की घटना है थाने की, तो आदरणीय श्री राम नगीना जी, आदरणीय अनबार साहब, आदरणीय मंजू तिवारी जी और हम सभी लोग, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष इश्तियाक और पूरन चौहान, हम सब बल्ली महासचिव, हम सभी लोग वहाँ थे। जिस तरीके से पुलिस का व्यवहार है, और एक दिन पहले बिना महिला पुलिस के जो यहाँ आक्रमण किया, मैं तो कहूँगा आक्रमण ही किया है, और जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया है, ये सब समाज में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आज हमारे लोग आज भी घायल हैं। आज सुबह हम सत्येंद्र जी से मिले थे, उनकी तबीयत ख़राब थी, और ये प्रशासन को हमने चेताया भी है कि राजनीतिक दल रोज आते जाते हैं, सत्ता आती जाती है, लेकिन इस तरीके से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, इस तरीके से अनुसूचित जाति के लोगों के साथ दुर्व्यवहार, और इस तरीके से गरीब को सिर्फ अधिकार मांगने में इस तरीके का जो व्यवहार है, इसमें विकासनगर क्षेत्र में आसन बैराज से कुलाहल तक रोड और शक्ति नहर के किनारे आए दिन हो रहे हादसों को देखते हुए ग्राम प्रधान कुलाहल मोहम्मद सलरीम ने नेतृत्व में शिकायत कर दी। क्षेत्र प्रतिनिधियों की तरफ से जल विद्युत निगम और दिशासी अभियंता ढालीपुर को एक शिकायत पत्र दिया गया। शिकायत पत्र में आसन बैराज से लेकर कुलहाल तक सड़क और नहर के दोनों किनारे सुरक्षा जाली लगाई जाने की मांग की गई है। वहीं ग्राम प्रधान मोहब्बत सलीम ने कहा कि नहर के किनारे बनी सड़क की हालत काफी सालों से बदहाल बनी हुई है, जिससे आए दिन बड़े हादसे हो रहे हैं। इसमें समस्या मूल यह है कि जो आसन बैराज से कुलाल तक की रोड है, दोनों साइड की, दाएं और बाएं की, बहुत जर्जर अवस्था में है, जिसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। और UJVN की जहां अपनी आवासीय कॉलोनी है, वहां तो इन्होंने जाली लगाई हुई है, और जहां ग्रामीण आबादी है वहां जाली नहीं लगाई, उसकी वजह से बहुत आपने देखा होगा कितनी कारें बाइक इसमें गिर जाती हैं अक्सर। विकास नगर से है जहां सड़क की सड़कें बदहाल हो गई हैं, जिसके आए दिन बड़े हादसे हो रहे हैं, जिसके चलते वहां ग्रामवासियों ने शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत पत्र देने के बाद भी अभी तक कोई भी निस्तारण नहीं निकला है, जहां पर ग्रामीणों का गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है।
आपको बता दें वहीं ग्राम प्रधान मोहम्मद सलीम ने कहा कि नहर के किनारे बनी सड़क की हालत काफी सालों से बदहाल बनी हुई है, जिससे आए दिन बड़े हादसे लगातार होते रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से विकास नगर की सड़कों का हाल बेहाल है, जिसको चलते अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया है और उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और अभी भी सड़कों का हाल बेहाल बना हुआ है, जिसके चलते वहां के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उद्धम सिंह नगर के रुद्रप्रयाग पंत नगर सिडकुल में सीईटीपी प्लांट में टैंक में 3 लोगों के डूबकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सीटीपी प्लांट में गड़बड़ी आने के चलते जब हेल्पर द्वारा मोटर ठीक करने के लिए टैंक में उतरा तभी वह भी बेहोश हो गया, जिसके बाद हेल्पर को बचाने के लिए प्लांट हैंड रमन भी टैंक में उतर लेकिन वह भी बेहोश होकर पानी के टैंक में गिर गया, जिसके बाद तीसरा कर्मचारी अवदेश भी इन दोनों लोगों को बचाने गया, वह भी टैंक में गिर गया, जिसके बाद तीनों लोगों की पानी में डूबकर मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद आनन फानन में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जहां रेस्क्यू कर कड़ी मशक्कत के बाद तीनों शवों को बरामद कर लिया गया। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे इसमें लगे हैं, क्योंकि हमारे पास में पहले काफ़ी सारा मतलब वहाँ पे गैस का रिसाव हो रहा था, तो उसमें हमारे फायर टेंडर्स ने पहले पानी की बौछार की ताकि जो भी बेसली गैसेज जो हैं उनका थोड़ा सा ठीक किया जाए उनको, तो फिर उसके बाद में ऑपरेशन। खबर उद्धम सिंह नगर से है, जहाँ पर एक हादसा सामने आ रहा है। आपको बताते कि मामले की जांच में टैंक में गिरने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जहां टैंक में गिरने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि टैंक में कुछ गड़बड़ी होने के नाते टैंक के सही करने के लिए कारीगर कर्मचारी टैंक में उतरा था, जो वहां पर पहुंचकर बेहोश हो गया। उसको बचाने के लिए जब दूसरा कर्मचारी उसमें टैंक में उतरा तो वो भी वहां पर बेहोश हो गया और फिर तीसरे ने जब जान बचाने की कोशिश की गई तो वहां वह भी वहीं टैंक के पानी में डूब के उन तीनों की मौत हो गई। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से उन तीनों के शवों को ले जाया जा रहा है और उस पे उचित कार्रवाई की जा रही है। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पुलिस बल भी वहां तैनात है, तमाम कारीगर भी वहां मौजूद हैं। उत्तराखंड प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा एवं पुनर्वास मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के द्वारा पावो ब्लॉक कोटली गांव में राज विकास अभिकरण के अंतर्गत घसियारी किट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों लाभार्थी महिलाओं को घसियारी किट प्रदान की गई। घास काटने एवं खेतों में काम करने वाली माता बहनों को यह किट दी गई, जिसमें 2 कुदाल, 2 दरांती, 1 टिफिन, 1 वाटर बोतल, 1 परांदा और 1 रस्सी और इन सभी को रखने के लिए 1 बैग भी शामिल है। बाजपुर में कांग्रेस की न्याय यात्रा कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रत्याशी सुनीता टामटा ने नेतृत्व में सैकड़ों वाहनों के साथ निकाली। वेदाखेड़ी के न्याय यात्रा को कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंडित जितेंद्र शर्मा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह किंदा, विक्रमजीत सिंह गिल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंडित जितेंद्र शर्मा ने बताया, न्याय यात्रा वनखेड़ा होते हुए हरिपुरवा, हरसान, शिवपुरी, बोरिया रोड होते हुए बाजपुर शहीद भगत सिंह पर पहुंची है। यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सुनीता तामटा के और उसके काफले का पूरा स्वागत किया। न्याय यात्रा यहां से मुंडिया
पिस्तौर जगन्नाथपुर गांव और बाजपुर सुल्तानपुर पट्टी होते हुए कुंडेश्वरी मऊअखेड़ा गंज पहुंचेगी। कांग्रेस पार्टी द्वारा ये न्याय यात्रा निकाली जा रही है उन मेरे नौजवान बेरोजगार भाइयों के लिए और महिलाओं की आवाज़ के लिए, मजदूरों के लिए, उन किसानों के लिए ये न्याय यात्रा निकाली जा रही है और ये कांग्रेस पार्टी इन सब के साथ न्याय जरूर करेगी और यहाँ बाजपुर की जो जनता है वो मेरे साथ न्याय करेगी। उत्तराखंड के फिलहाल अब तक की खबरों में बस इतना है और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।